नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। देखा जाए तो चुनाव के बाद वैकेंसीज की बहार आ रही है और छोटे मोटे अच्छे से खबर भी आपके सामने आ रहे हैं। नो डाउट कि ये नोटिस जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये आप पहले से भी देख चुके होंगे, लेकिन इस नोटिस के पीछे की जो गंभीरता है, इस नोटिस के पीछे का जो साक्ष्य है, इस नोटिस के पीछे की जो ओरिजिनलिटी है, शायद आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज के लिए टीम परीक्षा प्लस हमेशा से नंबर एक जानी जाती रही है। और एक बार फिर से हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर कैडर, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ, सारे वैकेंसीज के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने जो ये एक रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सारे डिस्ट्रिक्ट जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनको भेजा गया है एक जो आप बोल सकते हो सर्कुलर टाइप में है। ये क्या है? वेरिफिकेशन अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर फॉर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, सॉरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहां पे दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के संदर्भ में ये है। लेकिन इस पे जो पूरी चर्चा की गई है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। इस बात को अगर ध्यान दिया जाए तो ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती, वो भर्ती जिसके लिए विज्ञापन निकलता है और आप लोग उसके लिए आवेदन करते हो और आप उसे एग्जाम देके पास करते हो, उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बात छिपी हुई है पूरे, अगर आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ोगे तो साफ साफ ये लिखा गया है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पद हैं, उनको जो प्रमोट होने लायक हैं, जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, उन्हें जल्द से जल्द प्रमोट कर दिया जाए। प्रमोट करने के बाद जो इनके डीसीपी की वेबसाइट है उसे अपडेट भी कर दिया जाए। जब ये प्रमोट हो जाएंगे तो नीचे के पद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। और ऐसे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अतिरिक्त वैकेंसीज भी बन पाएंगी, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अतिरिक्त वैकेंसीज बन पाएंगी तो आपके लिए ज्यादा वैकेंसीज भी आएंगी, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर इसको देखा जाए, ये मैंने इसका साक्ष्य भी देखा कि क्या ये प्रमाणित है, ऐसा तो नहीं बस टहल ही रहा है, मैं कोई चीज आनंद फार्म में नहीं लाता हूं, आपको पता है। और डीसीपी की वेबसाइट पे जो हमारे लोग होते हैं, जो कार्यरत होते हैं, उनके पोर्टल, जब आप डीसीपी जाओगे ऐसे पब्लिक नहीं खोल सकते, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में वर्किंग कर रहे होते हैं उनके पास ही पोर्टल का लॉगिन होता है, वही लॉगिन करके देख सकते हैं। तो आप जाओगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें सही में है भी, इसके साथ पूरा का पूरा पीडीएफ भी अटैच है कि किस प्रकार से आप इसको पूरा करो, कैसे प्रमोशन की सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, और इसका फाइनल डेट भी जो दिया गया है 20/6/2024 दिया गया। तो ये रहा बैकग्राउंड की बात कि हाँ, इससे इन शॉर्ट एक बात समझ में आती है कि वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, कितना आ रही हैं, कब आ रही हैं, किस किस कैडर की आ रही हैं, इसको समझने के लिए हमें एक एक चीज बहुत विस्तार में देखना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि टोटल वैकेंसीज के बारे में, ये बीच में एक लेटर और भी ऐसे चला था, और ये लेटर था कि नए पद सृजित करने के लिए ऐसा बोला गया था कि जो हाई कोर्ट है या तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हैं, वहां पे बहुत सारा वर्कलोड बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्राइम के साथ साथ वर्कलोड भी बढ़ रहा है, जिसके वजह से नए पद सृजित करने की बात किया गया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर असिस्टेंट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इन तीनों के पद मिला लिए जाए तो लगभग 950 से 1000 पद आपके इन्हीं के, बाकी सारे कैडर के भी, जैसे आपका सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, इनसे आपको बहुत मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचे पद हैं, आप इसके लिए आवेदन कर भी नहीं सकते हो, तो बहुत ज्यादा हवा में उड़ने के मतलब भी नहीं है। आप इस पर फोकस करो, 1303 में से 1000 पद नए सृजित होने पे, जिसके लिए आगे चल के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से अपील लगाई थी कि हाँ भैया, अगर आप कह दोगे तो ये हमारे नए पद सृजित हो जाएंगे। अभी तक फिलहाल इसके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि ये पद सृजित हुए कि नहीं हुए, बट इसके बारे में एक चीज समझो कि 1/7/2023 में ही एक, हाँ ये काफी पुराना डेटा है, बट कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, कितनी वैकेंट सीटें हैं, ये पुराना डेटा हाई कोर्ट जनरल ऑफिस कैडर या हाई कोर्ट के हैं, जैसे रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ये सब उसी के जो आने वाले वही मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो रिव्यू ऑफिसर, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट, इन तीन को देखोगे तो वैकेंसी 311, 100 और 23, लगभग 411 आरओ एआरओ के और 23 आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के यहाँ पे पहले से रिक्त हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 411 पद पहले से रिक्त हैं, और अगर 1000 पद पहले से आ गए, है ना, अलग से बन गए, तो इस हिसाब से 1400 कुल मिला के लगभग 1500 पद तो आपके आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के ही, यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के ही बन जाएंगे 1400-1500। इसके अतिरिक्त आपके ग्रुप सी डी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो शायद ये वाला साल आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अगर मौका भुनाना है तो तैयारी आज से चालू करना होगा।
क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट समय नहीं देता, बिल्कुल समय नहीं देता, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, केवल देखते रह जाओगे कि वैकेंसी आई और चिड़िया की तरह उड़ गई और आप उसको पकड़ भी नहीं पाए, आपके हाथ नहीं आए। तो अगर आप चाहते हो कि ये चिड़िया की तरह उड़ ना जाए, आपके हाथ आ जाए, तो आप तैयारी अब से स्टार्ट कर दो। ये तमाम ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर के जो पोस्ट है, वही जो बोला गया ना कि डिफरेंट कैडर में वैकेंसी जा रही है, बेंच सेक्रेटरी के कैडर में ये होते हैं, कंप्यूटर कैडर में ये होते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ए बी सी ग्रेड 1-2 इस प्रकार से चलते हैं। मिसलिनियस कैडर में आपका टेलीफोन ऑपरेटर, रिव्यू ऑफिसर उर्दू, यूएसडी सीनियर सिस्टम ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस जो होता है, ये भी वैकेंसी आने वाली थी, और साथ में इसके अलावा ग्रुप सी और डी के भी कैडर के अलग अलग होते हैं। तो वैकेंसीज की बात किया जाए, जैसे ग्रुप सी डी की, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं एलिजिबल हूं, तब तो मैं तैयारी कर पाऊंगा, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाओगे, सबसे पहले मैं सी डी से लेकर अंत तक, ग्रुप सी डी से लेकर आर ओ आर ओ सब कुछ बता दे रहा हूं, इन शॉर्ट अगले 65 में बिल्कुल ब्रीफ करते हुए, और आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ताकि आप आराम से इसे बाद में पढ़ भी सको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप सी के वैकेंसीज की। ग्रुप सी के वैकेंसीज में जो सबसे बढ़िया पद आता है जूनियर असिस्टेंट का आता है, पिछली बार 819 पद थे, 202 पेड अप्रेंटिस थे, इस बार उम्मीद है कि ये पद 1800 से 2000 के आसपास होंगे, जिस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम अतिशयोक्ति में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे, तो 1000 से 1500 के बीच में जूनियर असिस्टेंट के पद फिर से आ सकते हैं। इसमें आपको केवल इंटरमीडिएट चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी चाहिए, और बस मतलब कि अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप 12th पास हो, 12th पास के साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नीले डोएक, और इसके समकक्ष इन्होंने नहीं लिखा है, तो समकक्षता की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है समकक्षता को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की। यहाँ पे क्या बोला है, 25 वर्ड परमिट फॉर हिंदी, और बीच में एंड लगाया है, 30 वर्ड परमिट फॉर इंग्लिश, मतलब की हिंदी और इंग्लिश दोनों की आनी चाहिए, 25 की स्पीड हिंदी में करनी चाहिए, 30 की इंग्लिश में करनी चाहिए। टाइपिंग फॉन्ट यहाँ पे तुरंत दिमाग में आता है कि किस फॉन्ट में टाइपिंग आनी चाहिए, तो मंगल इंस्क्रिप्ट में अगर आपको टाइपिंग फॉन्ट आता है, इसमें टाइपिंग आती है, इसका मतलब आप इस वैकेंसी के लिए बने हो। तो बारहवीं पास हो, आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, और आपके पास हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग है, नहीं आती तो सीख लो यार, इंग्लिश की टाइपिंग कोई भी कर लेता है आराम से, उसमें कोई फॉन्ट नहीं होता, हिंदी में मंगल की फॉन्ट होती है, उसे जाकर सीख लोगे, एक महीने में ठीक ठाक स्पीड भी आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सीख भी जाओगे, 2-2.5 महीने में जब तक आपका रिजल्ट उजड़ आएगा, टाइपिंग का समय आएगा, ठीक है। बाकी इसमें अरिथमेटिक मेंस्ट्रुएशन एलिमेंट्री लैंड सर्विंग, इस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे आपके जूनियर असिस्टेंट की कुछ और कैडर होते हैं, अमीन ग्रेड 2 की होती है कैटेगरी सी में, कॉपिस्ट की होती है, पुलिस केस डायरीज की होती है, असिस्टेंट अकाउंट की होती है, इसमें भी सेम आपका वही है, 12th होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, 25 और 30 का टाइपिंग आपका आना चाहिए, ठीक है, सेम अरिथमेटिक मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। बस जो अमीन वाला पद है, इसमें 12th के साथ साथ मैथ्स होना जरूरी है, बस अमीन पद के लिए, क्योंकि अमीन का काम क्या होता है, अमीन का बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जमीन को लेके, पैमाइश को लेके, तो वो पैमाइश करना, वो आंकड़े निकालना कहीं ना कहीं अमीन का कार्य होता है, इसलिए मैथ्स इसमें कंपलसरी बोला गया है, ठीक है। पेड अप्रेंटिस का कोई मतलब नहीं है, एज लिमिट सारे ही कैडर में 18 से 40 है, ये बहुत अच्छी बात है, चाहे जिस आप ग्रुप सी की कोई वैकेंसी उठा लोगे, ग्रुप डी की कोई वैकेंसी उठा लोगे, सब में 18 से 40 एज है। बाकी रिलैक्सेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट या मतलब हाईकोर्ट की बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें या फिर हाईकोर्ट की बात करें, दोनों में ही जो एज रिलैक्सेशन है, वो चाहे जनरली ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए फ्लैट 5 साल, इन्होंने लिखा है 5 साल फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड टाइस्ट ओबीसी एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एज नोटिफाइड इन द रिलेशन टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो सभी के लिए फ्लैट 5 साल, 3 साल वाला नहीं, यहाँ पे 5 साल सबको मिलता है, ओबीसी वाले बच्चों को भी, तो ये एक खुशखबरी वाली बात है, खुश हो गए हो तो एक बार मुझे कमेंट अवश्य बता देना। ये आपका एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट आपका एग्जाम टाइम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर से मैं बोल रहा हूँ निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है, 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स सब पूछता है, लगभग अगर देखा जाए तो हिंदी भी 25, इंग्लिश भी 25, मैथ्स भी 25, जीएस में 22 से 23 क्वेश्चन पूछता है, जो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, वो आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो आप जीएस लगभग सब में बराबर बराबर मान सकते हो, बट जीएस में 2-3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पिछली बार देखने को मिला था, ऐसे आप मान के चल सकते हो। ये स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा, जिसमें आपको 25 मार्क्स के होंगे हिंदी टाइपिंग और 25 मार्क्स का ही इंग्लिश टाइपिंग होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों के लिए होना चाहिए 25 में 10 नंबर आना चाहिए। जो आपका हाईकोर्ट का पिछली बार भी नोटिफिकेशन आया था,
जिसमें टाइपिंग के लिए वो 10 एरर पे 0.1 नंबर काटते थे, इस कारण से मार्क्स आपके कम हो जाते थे, इसलिए मार्किंग सिस्टम किए हुए। तो कुल मिलाकर 150 नंबर आपका हो जाएगा ये, अगर आप टोटल जोड़ो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नहीं है, बट आपके टाइपिंग में जैसे इनका प्रावधान है, क्योंकि इन्होंने 10 नंबर दिया है तो 10 नंबर का कोई मार्किंग स्कीम भी इन्होंने दिया ही है। इसको मैं आगे टाइपिंग वाली डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आते हैं हम लोग अगर स्टेज में, तो स्टेज वन वही है, पहले आपका रिटन एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका क्या दोगे, उसके बाद आप टाइपिंग दोगे। अगर हम लोग ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये आपका टाइपिंग का है, एक बार टाइपिंग देख लीजिएगा। टाइपिंग में मंगल फॉन्ट हिंदी वालों के लिए जरूरी है, इंग्लिश वालों के लिए 300 वर्ड दिया जाएगा, हिंदी वालों के लिए 250 वर्ड दिया जाएगा। लगभग में 300 वर्ड 10 मिनट में किया जाएगा तो 30 की स्पीड आएगी, 250 वर्ड 10 मिनट में दिया जाएगा तो 25 की स्पीड आएगी। तो 10 मिनट समय दिया जाएगा, हिंदी में 250 वर्ड, इंग्लिश में 300 वर्ड दिया जाएगा। और इसमें जो स्कीम है निगेटिव मार्किंग वाली, वो मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में आपको केवल हाई स्कूल, वहां पे 12th मांगा है ग्रुप सी में। ग्रुप डी के सारे पद में आपको क्या मांगा है, हाई स्कूल मांगा है, इसमें कोई ट्रिपल सी नहीं मांगा है। अगर अगर ग्रुप डी में हम ड्राइवर की बात करें तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको डीएल चाहिए, फोर व्हीलर का, फोर व्हीलर का डीएल मिनिमम 3 साल पहले बन गया होना चाहिए। और इसमें जो आपका सैलरी है ये 1900 ग्रेड पे की है। अगर आप इस वाले में सैलरी देखोगे तो ये वाली जो सैलरी आपकी है यहाँ पे देखते हुए चलो, ये 2000 ग्रेड पे की सैलरी है। और अगर ऐसे ही कुछ पद आपके ग्रुप डी में है वो 1800 ग्रेड पे के भी है, जैसे प्यून वगैरह हो गए। कुछ में ग्रुप डी में आपके केवल 6 और 8 पे भी मांगते हैं, उसे बता दूं, बट मैक्सिमम आपका क्लास 10th ही मांगता है, हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तो आपका लाइसेंस होना चाहिए, बाकी आपका डिजायरेबल नॉलेज है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पे भी दिमाग ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ड्राइवर कैटेगरी, ये भी हालांकि ड्राइवर ग्रुप डी कैटेगरी नहीं है, ड्राइवर को ग्रुप सी कैटेगरी में रखा गया, इस बात को आप ध्यान देना। ये हाई स्कूल इसमें मांगा हुआ है और आपका डीएल यहाँ पे होना चाहिए। बाकी एज लिमिट यहाँ पे भी 18 से 40 है और रिलैक्सेशन भी सेम है, उसमें कुछ नहीं है। सेम आपका पैटर्न भी है, बस वहां पे टाइपिंग होगा, यहाँ पे आपको ड्राइविंग करके दिखाना पड़ेगा। वैकेंसीज अगर स्टेनोग्राफर, ये भी ग्रुप सी की है, इसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज आती है। स्टेनोग्राफर में भी एज आपका 18 से 40 ही है, लेकिन यहाँ पे आपका 12th नहीं ग्रेजुएशन मांगा है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। तो आप सोचो कि स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट कहां लेके आए आपके मेरे भाई, कि कहीं से भी अगर स्टेनोग्राफी सीखोगे तो उनसे बोलो एक सर्टिफिकेट बना के दे दे, वही आपका मान्य हो जाएगा, कोई इसने बोला नहीं कि स्पेशली यहीं से बनवाओ। बाकी ट्रिपल सी होना चाहिए, हिंदी में 80 वर्ड परमिट का स्टेनो आना चाहिए और इंग्लिश में 100 वर्ड परमिट का आना चाहिए, जो काफी स्पीड होती भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी टाइपिंग तो इसका करना ही होगा, ठीक है। तो ये मैं एक अलग अलग भी आपको वीडियो बना दूंगा, बट इन शॉर्ट आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूं। 18 से 40 उम्र इसमें भी मांगा, एज सिलेक्शन सेम है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, इसमें भी आप पहले स्टेज में एग्जाम दोगे, दूसरे स्टेज में स्टेनो करोगे। और इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रुप डी की वैकेंसीज में। ग्रुप डी की वैकेंसी में जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर होता है, प्रोसेस सर्वर होता है, चपरासी का पद होता है, चौकीदार का पद होता है, पानी देने वाले का पद होता है, कूली हो गया, बिस्टी हो गया, फरास हो गया, स्वीपर हो गया, माली हो गया, इन सब के पद आते हैं और ये 1800 ग्रेड पे के हैं। इनमें मैक्सिमम पद आपके हाई स्कूल कैडर के हैं, जैसे आपका क्या हो गया ट्यूबवेल ऑपरेटर। ट्यूबवेल ऑपरेटर क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन में भी कम इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो इसमें आईटीआई आपका होता है, 1 साल का आईटीआई होना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सर्विस प्रोसेस, इसमें आपका क्या है, इसमें वैकेंसी 1700 थी, एक बार आप देख सकते हो 1699। इसमें क्या होता है, हाई स्कूल होना चाहिए, बाकी सब में हाई स्कूल होना चाहिए, केवल स्वीपर कम फरास में केवल कोई 6वीं पास है तो आपका क्या हो जाएगा, 6वीं पास वाला भी एलिजिबल होगा। और इसके लिए भी अगर देखा जाए, इसके लिए भी जो आपका पेपर आता है, पेपर आपका सेम आता है, सेम तरीके से पूछा जाता है, नॉन निगेटिव मार्किंग होती है। और ये आपका क्या होता है, जैसे हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, जीएस के 22 और 3 इसमें रीजनिंग के होते हैं, 25 25 25 आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके ग्रुप सी और डी के रह गए। रही बात आरओ यारो का, तो आरओ यारो के आप देखोगे तो ये 7 CPC के हिसाब से लेवल 8 का होता है। कुछ लोग इसे बोलते हैं बहुत सैलरी बनती है, बट ग्रॉस सैलरी लगभग 75 से 80 हजार के बीच में बनती है। इन हैंड 61-62 आ जाता है, 50% डीए के हिसाब से देखा जाए तो इन हैंड 62 से 63 हजार आपको इनिशियल में मिलेगा, पहली सैलरी मिलेगी। वही एआरओ की बात कर लिया जाए तो एआरओ की सैलरी जो होगी वो इन हैंड आपकी 55-55 हजार के आसपास मिलेगी, 55 से 56 हजार इन हैंड इनिशियल पे, क्योंकि 50% डीए लगाया जाए। वैसे अगर ग्रॉस की बात किया जाए तो एआरओ का जो ग्रॉस होता है वो आपका लगभग 65 से 70 के बीच में होता है, और कट कटा के आपका क्या आता है 56-57 हजार। इस समय जो एआरओ है जो 2021 में पोस्टेड होते हैं उनकी 1-2 साल बाद सैलरी 57-58 हजार आ रही है, लगभग 58-59 हजार आ रही है 50% डीए लगने के बाद। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, सैलरी स्लिप भी लगा दूंगा। इसमें आपको क्या चाहिए, अगर आरओ यारओ के आवेदन करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ग्रेजुएशन है उसके इक्विवेलेंट, और एंड क्या होना चाहिए,
या तो आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो कोई डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, वो भी नहीं है तो आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मान्य हैं। और इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें साथ में आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए। यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग नहीं मांगता, यहाँ पे केवल इंग्लिश की टाइपिंग मांगता है, वो भी 25 वर्ड पर मिनट मांगता है। तो इंग्लिश की टाइपिंग में फॉन्ट का कोई इशू नहीं होता, आप किसी भी कर सकते हो। एआरओ के पिछली बार 350 पद थे, इसी दोनों को मिला के 46 केवल आरओ के थे। अभी मौजूदा समय में आरओ के बहुत ज्यादा पद नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर 2-3 महीने बाद वैकेंसी आती है तो ठीक ठाक पद आपको देखने को मिल सकते हैं, 500 से 600 आरओ एआरओ दोनों मिला के आपके पद आ जाएंगे। इसको देखा जाए तो इसमें भी आपका सेम है, आरओ एआरओ की एलिजिबिलिटी सेम है, आरओ एआरओ का पेपर भी सेम होता है, रिलैक्सेशन भी इसमें सेम है जैसे पहले इलेक्शन था। इसमें एक अच्छी बात है कि महिलाओं को 20% का छूट दिया जाता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के लिए महिलाओं को 20% का, ये मैंने सैलरी स्लिप लगा रखा हूं। ये देखो अगर बेसिक पे जो है 46,200 है, उस हिसाब से आप पूरा देखोगे तो ये 46% डीए पे है, जिस बच्चे का है मैंने हाइड कर दिया है कि आप उसका ना देख पाओ भाई क्या है, बट आप इसे एग्जैक्टली इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, मैं प्रैन नंबर वगैरह सब कुछ वहां पे दिया हुआ है कि कितना 46,200 बेसिक पे है, डीए 21,252 लग रहा है 46% पे, अभी 50% हो गया है तो इसका लगभग 23,000 लगेगा, ठीक है 21,000 की जगह 23,000, 2,000 लगभग यहाँ पे बढ़ जाएगा। और प्रैन सब जो कट रहा है वो आपका डिडक्शन 12,941 कट रहा है, हाउस एंड 5,520 अलाउंसेस मिल रहा है, 200 रुपए कट रहा है जीआईएस, ऐसे फिर ड्रेस का 500 रुपए मिलता है और इनकम टैक्स कट रहा है 4,000, ऐसे कुछ आपके ड्रेस का यहाँ पे स्पेशल 670 रुपए और मिल रहा है, फिर आप देखोगे 5,520 हाउस में मिल रहा है पर्सनल का, ये सारी चीजें सेम है रिपीटेड कर दिए। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ग्रॉस सैलरी 74,142 एआरओ की, ये किस महीने की, अगर महीना आप देख लो ये 2021 का जुलाई 2000 ज्वाइनिंग डेट 11/8/2022 की आप देख सकते हो, ज्वाइनिंग डेट जो है इस बच्चे की, इस कैंडिडेट की 11/8/2022 थी। और ये सैलरी स्लिप का डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, शायद मैं देख ना पा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये भी रिसेंट का है, मान के चलिए कि ये फरवरी या मार्च का मैं आपको सैलरी स्लिप दे रहा हूँ 2024 का। तो आपका ग्रॉस 74 बन रहा है बट कट किटा के आपको 57,000 आ रहा है, 50% डीए ले लेंगे तो 59,000 लगभग 60,000 इन हैंड आपका एक साल बाद बन रहा है, तो कैसे आप पूछ सकते हो कि 90,000 आएगा, तो उन सब पेपर में पढ़ो। एक्जैक्टली मैं आपको जो डेटा दे रहा हूं, मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं तो एक्जैक्टली लेके आता हूं। बस यहां पे देखिएगा एज जो वहां पे था, एज 18 से 40 था ग्रुप सी डी में, यहां पे 21 ईयर से लेके 35 साल होना चाहिए, इस बात का देना ध्यान रखना, आरओ और एआरओ के लिए 40 साल नहीं होता, यहां पे 21 से लेके 35 साल होता है। बाकी इसमें पूरा का पूरा आपका जीएस बहुत बेहतरीन पूछता है, और जितने टॉपिक हैं लगभग सारे टॉपिक पूछता है, साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरा का पूरा सब कुछ है। इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी भी है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स भी पूछता है, और लगभग सब 14-14, 15-15 क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपका एक रिटन पेपर होता है जो 200 क्वेश्चन का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ओएमआर बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा, नॉन निगेटिव होता है, मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपका 200 होता है, और इसके बाद फिर आपका टाइपिंग होगी, टाइपिंग भी 25 नंबर का होता है। इसमें टाइपिंग को बोले हैं नो निगेटिव, बट टाइपिंग का निगेटिव होता है, अगर आप 10 गलती करोगे तो 0.1 नंबर कटता है, वो टाइपिंग का निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको मिनिमम नंबर लाना आवश्यक होता है ताकि आप इसे टाइपिंग को क्या कर पाओ, क्लियर कर पाओ। तो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जो टोटल समय दिया जाता है वो 3 घंटे, वहां पे 90 मिनट, यहाँ पे 3 घंटे दिए जाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। और अगर जो आप एक क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देख लो तो आप देखोगे जनरल साइंस के लगभग 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री मेडिवल प्लस एंशिएंट के 14 क्वेश्चन, मॉडर्न के 14 क्वेश्चन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स प्लस कल्चर के 18 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर कॉमर्स स्टेट पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन, यूपी के 14 क्वेश्चन, करंट के 14 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी के 10-10 यानी 20 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका क्या होता है टोटल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें एक टाई ब्रेकअप रूल भी लगता है, टाई ब्रेकअप रूल इससे लगता है कि अगर किसी नंबर के बराबर हो तो इसलिए सेक्शन वाइज आपका एग्जाम आता है, जैसे किसी का रीजनिंग मैथ में नंबर ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, कंप्यूटर में ज्यादा अच्छा है, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, उसे मैं बाद में समझा दूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एग्जाम के साथ ही होगा, 15 मिनट का गैप देने के बाद सेम डे आपका टाइपिंग भी करा लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप रिटन पेपर देके आओ, फिर आपका रिजल्ट आए, फिर टाइपिंग का समय मिले, तो टाइपिंग की भी तैयारी आज से ही कर दो। अलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे ग्रुप सी डी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी आरओ एआरओ की वैकेंसी हो, चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट हो, टाइपिंग आपको देना मस्ट है, तो आज से ही टाइपिंग का अभ्यास करना शुरू कर दो। रही बात आप लोग बार बार पूछते हो कि सर इसके बैच के बारे में, इसका एक पुराना बैच हमने निकाल दिए थे, आप उससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। इसके नए बैच के बारे में बहुत जल्द घोषणा करेंगे, और आपसे वादा करता हूं चाहे आपके ग्रुप सी डी के पद की वैकेंसी हो, इसके लिए बैच हो, या फिर आपका आरओ एआरओ का हो, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ, बहुत बेहतरीन फैकल्टीज के साथ,
क्वालिटी कंटेंट के साथ और न्यूनतम फीस के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हूंगा। जल्द से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी अवश्य कर दीजिएगा। आपकी सेवा में फिर हाजिर हूंगा। धन्यवाद सभी का।